कुछ रूठे रूठे से लगते हो, तुम कहो तो तुम्हें मनाऊं क्या, दिल का हाल बहुत बुरा है। तुम कहो तो तुम्हें बताऊं क्या, तुम्हें लगता है प्यार कम है मेरा। तुम कहो तो जताऊं क्या, पर अफसोस तुम कभी कुछ कहते ही नहीं। कहते हो साथ हूं पर कभी रहते ही नहीं। दिल में दर्द है, दिल में दर्द है कितना, तुम्हें रो के दिखाऊं क्या। तुम कभी नहीं समझोगे मुझे, एक बार कहकर तो देखो समझाऊं क्या। पुराना साल जाने वाला है यानी 2020, जो कि हम लोगों को लॉकडाउन में बहुत बैठा है। ऐसे मालूम है बाकी लोगों को तो फायदा नहीं हुआ होगा, लेकिन हाँ इनर फोर वाले को बहुत फायदा हुआ। मतलब ऐसे भी होता है कि डिप्लोमा में हम लोग आते हैं रट्टा रट्टा। हाँ बहुत लोग होते हैं जो समझ के पढ़ते हैं, पता नहीं होते किसका जाता है, लेकिन हाँ जो लोग होते हैं समझ के पढ़ने के लिए, लेकिन उनको भी प्रमोट किया गया तो फायदा किसका हुआ, अपन का, तेरा, मेरा, सबका फायदा हुआ। लेकिन एक बात है, जब 50-50 को शेड्यूल कोई बच्चा लूटे ना, चुष्टिमा कैटी शो जा बढ़ने के बस नहीं हो जाएगा, समझ ले नहीं बड़े ओ सांबा। जब 50-50 को सुदूर कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। वो कितना भी कहते हैं बच्चे वाले को बन के देखो ना, तो उठना भी नहीं समझ में आता है। और जहाँ तक की मेरी बात है ना, मैं तो नहीं समझूंगी, तुम कब समझोगे बे। आप ही लोग जैसे आदमी ने कहता है कि मिस यू 2020, लॉकडाउन हुआ, छुट्टी मनाए, इतना छुट्टी मनाए कि छुट्टी से बोर हो गए और बात बनाते हो। तो राकेश गाना सुनाएगा, कैसे सुनाएगा तू यार, हीरो का डायलॉग मानना। ये कलयुग है कलयुग, यहाँ लोग एक ही मतलब के लिए जीते हैं, अपने मतलब के लिए। पुलिस वालों की न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी, तूने तो दोनों कर ली, आली डे आली आटा टूजी बारी आली। हाँ तो अच्छे से विदाई करना पड़ेगा 2020 को। ऐसे वैक्सीन आ गया, वो भी मेड इन चाइना, 1 ml जाता। ऐसे नहीं लॉकडाउन हुआ तो हम लोगों को कैसे पता चले थे लॉकडाउन हुआ, बस पुलिस लोग इधर से इधर इधर से इधर इतना जनरल मेडिटेट शर्ट फट गया था। और जाने थे यहाँ तक कि मतलब मेरे घर के सामने में पुलिस थी, अब मतलब घर के सामने से तो मतलब कि मतलब कुछ नहीं था, बस इधर सोचा आज मतलब साल का आखिरी डेट था तो सोचे राकेश को छुट्टी दे देते। सारा 200 वीडियो पूरा चुका है अभी तक, मतलब होता है 200 वीडियो में क्या उखाड़ा उसने, मतलब गलत लिमिट नहीं बोलने का, तो 200 वीडियो में उसने कहानी सुनाया यूट्यूब पे। हाँ हाँ यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, चूंकि 200 वीडियो में उसने कहानी सुनाई। एक भी सुने आपने? अबे हॉरर स्टोरी सुनाया, लव स्टोरी सुनाया, आपको तो कुछ पसंद ही नहीं आता, तो अपना कंटेंट चेंज करना पड़ा। उसको जनवरी से सोचा था कि मूवी का रिव्यू दे, और रिपोर्ट मूवी देखता है वो, उसका बस चले ना तो मतलब यार कुछ भी यार इतना बोलता है ना, मतलब अगर किसी के बगल में बैठ जाए तो कान पकड़ देता, कान से खून बहने लगता है। मेरे बगल में आया था, मैंने 2 लाफा मारे और उसके बाद उसका यार खैर छोड़ो, तो इसके जो स्टोरी में बताता हूँ। तो उसका एक दोस्त था, उसने बोला भाई मेरा भी स्टोरी भेजने का और यूट्यूब पे सुनाने का तो फोन आया था, तो मैंने सुना था उसका स्टोरी। वो बता मतलब होता था कि मतलब हम लोग सब साथ में, हम नहीं थे राकेश था, तो सब लोग एक साथ बैठ के एग्जाम दे रहे थे, बेचारे का केजी पेपर लगा हुआ था। खैर छोड़ो केजी होता है, इंजीनियरिंग में अगर केजी नहीं हुआ तो क्या हुआ, केजी हुआ तो उसके बाद हम लोग बेसिकली उसको छोड़ के आएंगे। कैरी पेपर था तो वो अपना कैरी पेपर एग्जाम देता, तो उसके बाद वो अपना कैरी पेपर का एग्जाम दिया, उसके बाद स्टेशन पे आया तो उसकी मिली, आई मैं लवली हूँ तैयार, नाम तेरा पढ़ के, नाम तेरा पढ़ के, मैं लवली हूँ तैयार, नाम तेरा पढ़ के, नाम तेरा पढ़ के। मतलब एक लड़की मिली सुंदर सी, दरअसल उसका घर बेगूसराय था, लेकिन वो वही कॉलेज की थी, दूसरी टाइप दूसरी टाइप की थी। तो उसके बाद उसने पूछा एड्रेस बिजनेस, मतलब बहुत ज्यादा है, रास्ते में ही जाना था, तो दोनों एक साथ ट्रेन में बैठे। अब ट्रेन में सब कोई अलग अलग थे और वो दोनों इधर से इधर से। तो मतलब ऐसा होता तो
और बेटा होता, बट ऐसा नहीं हुआ था। तो दोनों साथ में एक ट्रेन में बैठे हुए थे। लट्टा थोड़ा शायद लट्टा था, वो लट्टी थोड़ी सीनियर टाइप की थी, तो वो बैठा था पर डरते डरते होता है डर, डरना भी चल रही थी क्योंकि डरना जल्दी मूवी देखे होती नहीं। अभी नहीं देखते तो क्या देखते हुए हर दिन। चलो कोई बात नहीं, कहानी सुनते। तो उस लड़के का बार बार कॉल भी आता था, तो उसने बोला कि मेरे साइड में जाकर बात करता हूँ, क्योंकि अगर कॉल पे पापा थे अगर कुछ बोल देती तो हेलो ससुर जी टाइप का कुछ, मतलब हार्ट अटैक अचानक से देने पर पता चलता है, तो पापा लोग ऐसे ही होते हैं, कहीं कुछ भी हो सकता था। तो उसने ऐसा नहीं किया, तो खैर छोड़ो हमें किया। तो उसके बाद कहानी की आगे शुरुआत होती है। तो उसके बाद लड़के के पास चेंज वगैरह था, हम लोग कंजूस टाइप के हैं तो चेंज वगैरह रहता है, मतलब हम लोग नहीं वो था, नहीं खत्म करता है, छोड़ छोड़ नहीं था नहीं था ऐसे ही बोल लेता हूँ। तो उसके बाद हुआ क्या, जो लड़का गया तो लड़के से रुपया नहीं ली, अब लड़की भाव दे रही है तो लेना चाहिए। ऐसी भी कोई सीनियर जूनियर का दोस्ती था, सीनियर खर्चे करेंगे तो हम लोग खाएंगे ही। हमारे भी अमर मनी सर थे, बहुत अच्छे थे, वो भी हमेशा खर्चा करते थे। तो मैं हमेशा नहीं, एक बार नहीं दो बार पता नहीं कितनी बार वो देते थे, तो मैं खुशी खुशी ले लेता था। सीनियर सर थे, दोनों साथ में आते थे। लड़के का घर टेगरा था, लेकिन रात हो जाने के बाद टेगरा उठाता नहीं। मैं एक बार गया था तो वहाँ पे कुछ अजीब माहौल था, मैं डरते डरते गया, डरते डरते आया था। तो उसके बाद लड़के ने बरौनी का डिसीजन लिया था, क्योंकि टिकट बरौनी तक का था टिकट, तो उसने रुपया का पूरा वसूली किया। मैं भी स्टेशन पे जाता हूँ तो टिकट का पूरा रुपया वसूल करता हूँ बाखा लेके, और सारा मूवी उसी में डाउनलोड करता हूँ। तो लड़के ने भी यही सोचा, तो लड़की सोची कि कहीं मुझे तो दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है CID। तो उसी टाइप के तो बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है लड़के। तो बोला वहाँ से क्या होता है ना, गाड़ियाँ मिल जाती है, तो इसी कारण से वो शायद गया था, तो यही था। तो लड़की भी कुछ आखिरी बात में बीच में सेल्फी बिल्फी, मतलब समझ रहे हो आप तो आगे क्या करना मेरे को, तो आप सब समझ ही जाते हो। तो उसके बाद नंबर शेयरिंग वेयरिंग, तो लड़का बोल दिया कि मेरे पे सेल्फी ले देना, उसके बाद हाय बाय। उसके बाद लड़के को एक रिक्शे वाले ने बोला बा बेटे बहुत आगे जा रहे हो। तो आगे यही हुआ थी स्टोरी, यहीं पे एंड हो गया। लेकिन आगे का कहानी मैं ही बता देता हूँ। जैसे हुआ यूं कि उन लोगों का ना मतलब होता है ना एक हाँ वही नंबर मिल जाने के बाद जो होता है वही होता है, लेकिन बस ये उनका मामला है, हम क्यों अंदाज करें। आगे की कहानी है मिलेगी तो आपको बताऊंगा, बट इतना पता है कि अभी बात नहीं होती, अब बात ही तो नहीं होती। खैर छुपो हमें क्या लेना है, हमें तो स्टोरी से मतलब थी, यही था एक क्यूट सा लव स्टोरी, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बोला था कि स्टोरी ट्रेन पर सुनाएंगे, तो स्टोरी ट्रेन का स्टोरी यही था, दरअसल रियल स्टोरी था। हमें तो बहुत सी ज्ञान के हैं, कृष्ण भगवान जैसे राधे राधे, अभी राधे राधे। तो उसके बाद वही भगवान कृष्ण और डांस डांस मत तो कर लाओ। महाभारत में अर्जुन कहते हैं कि बेटे डांस किया करो, मन में पढ़ाई में मन लगेगी। बट हाँ होती है हार्ड वर्क है, बट हो जाता है, अपन बहुत स्मार्ट है बे। तो अपन है, अपन तो टपोरी है, राकेश है थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा देर को पसंद, लेकिन ध्यान दे तब ना उसको बाकी से काम कहाँ मिलता है, पता नहीं क्या मन में चलता है, बोलता है सपना है फिल्म इंडस्ट्री में काम करेगा। इसको जिस दिन ले लेगा ना, मैं सबको फ्री में चॉकलेट बांटूंगा यार। चलो खैर आगे की कहानी, तो यही था कि ये सब पूरा कर मैंने 200 वीडियो पुराया, मैंने नहीं राकेश ने, तो राकेश 200 वीडियो पुराया, पर ऐसा नहीं है बंदे में दम है, 200 वीडियो पूरा दिया, कुछ भी अपलोड करके आप देख सकते हैं, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। बट हाँ इतना वो बोला है मेरे को कि जनवरी से वो कुछ अच्छा करेगा, अगर जनवरी से नहीं करेगा तो अभी फाइनल ईयर में पहुँच चुका है, कुछ प्रेशर होगा शायद पढ़ने में, ऐसे मुझे लगता नहीं है कि डिप्लोमा में कुछ उसको प्रेशर होगा, बट खैर जाने दो हमें क्या जाता है वो जाने, हमें तो वीडियो बनाने से मतलब है। कहो ना प्यार ऐसा होता है, उसमें दम था
10 से पहले वो हीरो का आवाज निकालता था, लेकिन अभी घंटा नहीं पड़ता है उसको। ए, मैं पैसों का नहीं प्यार का भूखा हूँ, और प्यार मुझे सिर्फ पैसों से है। ऐसा नहीं, ये दृश्य सिंफा का अलग था, तो हमने डायलॉग बाजी भी बहुत की, इसलिए सोचा थोड़ा डायलॉग वायलॉग मार देता। अच्छा है, पता है, लेकिन बोलता था, ये मजदूर का हाथ है, झूला को पिघला के उसका आकार बदल देता है, और तू चाहता है कि मैं तेरे यहाँ कुत्ता बनकर, ऐसा बोलता था। लेकिन अब बहुत दिन से उसका रियाज नहीं हुआ, सोच रहा था अपना फिल्मी कीड़ा बाहर निकाले, तो आज सारे वीडियो में दोस्तों का सेलिब्रेट हो रहा है, तो पार्टी होनी चाहिए। बट क्या है ना कि रात को मैं शूट कर रहा हूँ, और मैं होता है एक कपूर कल्पना फैंटेसी, ये पार्टी करने से रहा। वीडियो पर आप लाइक ही करो, कमेंट किया माने ही नहीं, क्योंकि हमारे कुछ फैन जो है ना ललित, समझ गए। अच्छा, और हाँ, 2021 आने वाली है, तो सबको हैप्पी न्यू ईयर यार, हैप्पी न्यू ईयर, आई होप एंजॉय कीजिएगा, बस बाय, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर।